अगर आप एक गेमिंग माइक लेने की सोच रहे हो तो भाई मोनो का DM30 वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इन बजट जो ये फीचर्स, परफॉर्मेंस और क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है ना भाई, वो हर कंपनी के बस की नहीं है। और मुझे पता है आपको बेस्ट ही चाहिए, है ना। मोनो एक वेल रिप्यूटेड ब्रांड है जो बहुत ही ज्यादा तगड़े और प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाती है और इंडिया में इसकी बहुत चलती है भाई। खैर जो भी बोलो, मोनो का DM30 RGB गेमिंग माइक्रोफोन काफी ज्यादा तगड़े फीचर्स के साथ आता है और गेमर्स के लिए तो ये वरदान है भाई। साथ ही वीडियो के एंड पे एक इम्पोर्टेंट चीज आपका इंतजार कर रही है, तो देखना ध्यान से। बॉक्स के ऊपर काफी सारी चीजें मेंशन है एंड इन द बॉक्स हमें क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है माइक, साथ में हमें मिलता है एडाप्टर, केबल और साथ ही एक हैवी सा स्टैंड, और मैनुअल मैंने पढ़ लिया। मैंने काफी सारे माइक्स यूज किए हैं बट जो इसे यूज करके फील किया बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, बहुत ही ज्यादा। इस माइक की बिल्ड क्वालिटी और लुक एंड फील काफी ज्यादा अमेजिंग है एंड मुझे ये हाथ में लेते ही एक प्रीमियम फील देता है। और अगर डिजाइन की बात करें तो इसमें हमें काफी ज्यादा अच्छा डिजाइन और पैटर्न देखने को मिलता है। इसका जो नेट है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ अगर देखो तो यहाँ पे एक छोटा सा हमें लोगो देखने को मिलता है ऑरेंज शेड में, जो काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। और सामने मोनो की ब्रांडिंग दी गई है और इसका एक रीजन भी है, क्योंकि ये माइक हमारा सामने की तरफ से वॉइस रिकॉर्ड करता है। इसका जो स्टैंड है वो काफी ज्यादा प्रीमियम और हैवी है। इसके पीछे हमें रबर फीट देखने को मिलता है जो 3-3 है और ये जब हमारे डेस्क पे लगता है तो वो काफी ज्यादा स्टेडी है। ये माइक हमारा 4 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, व्हाइट, पर्पल, पिंक, ब्लैक, और मेरे पास जो वेरिएंट है और माउनो ने सही कहा इस माइक के बारे में, जस्ट प्लग एंड प्ले। ये कंडेंसर माइक्रोफोन है जिसमें फ्रीक्वेंसी हमें 20 Hz टू 20 kHz की देखने को मिलती है। साथ ही इसमें जो सेंसर मिलता है वो 24 bit by 48 kHz का है, जो एक हाई सेंसिटिविटी सेंसर है जो बहुत ही ज्यादा अच्छे सैम्पलिंग रेट के साथ वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये माइक हमारा कार्डियोइड पॉलर पैटर्न पे वॉइस रिकॉर्ड करता है, मीन हर्ट शेप। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, साथ ही साथ 3.5mm का हेडफोन जैक रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, एंड यहाँ पे हमें एक बटन भी देखने को मिल जाता है जिससे हम RGB कंट्रोल कर सकते हैं। इस माइक को हम मोबाइल के साथ साथ कंप्यूटर और लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा टाइप सी प्लस USB पोर्ट दोनों के साथ आता है और इसमें हमें USB 2.0 देखने को मिलता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है जिसे हम किसी भी हेडफोन को यूज करके लिसन कर सकते हैं। इसमें जो गेन नॉब हमें देखने को मिलता है वो 3-in-1 है, इससे हम म्यूट कर सकते हैं अपने मॉनिटरिंग ऑडियो को, मॉनिटरिंग वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ म्यूट कर सकते हैं अपने ऑडियो को। वेट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो भाई, ऐसे वीडियोस लगातार देखने को मिलेंगे। देखो मैंने अभी इस माइक को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है और अब रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ, तो सुनो ध्यान से। अब जो वॉइस सुन रहे हैं वो हमारे माउनो के माइक से रिकॉर्ड की जा रही है मोबाइल फोन से कनेक्ट करके, और यहाँ पे वॉइस क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे मैं इसके गेन को भी बढ़ा घटा करके आपको दिखाऊंगा। तो जैसे हम गेन बढ़ाते हैं तो हमारे वॉइस में उछाल आ जाता है और ऐसे आप भी अपने वॉइस में गेन बढ़ा सकते हो इजीली। तो देखा आपने मोबाइल पे ये कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है। अब मैं आपको इसे यूज करके दिखाता हूँ अपने PC के साथ, और आप सामने देख सकते हो मेरा ऑडासिटी और माउनो लिंक, जहाँ पे मेरा गेन 60% पे और इतने में हमारा वॉइस काफी ज्यादा शानदार सुनाई दे रहा है। बट मैं इसके गेन को अब थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, लाइक अभी मैं कर देता हूं इसे 80, तो 80 में हमारा वॉइस थोड़ा सा हाई हो चुका है एंड इसे जब हम कर देते हैं 100 तो वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है। तो 60 पे हमारा वॉइस काफी ज्यादा क्रिस्प लगता है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा भी है। ये हमारा एक RGB माइक्रोफोन है, मीन ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे मोड्स होंगे एंड इसमें हमें टोटल 8 मोड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें 1 हमारा है RGB और 7 होते हैं हमारे डायनामिक, जिसमें सिर्फ कलर चेंज होंगे, पर है बहुत बढ़िया। इस माइक के बैक पे हमें एक RGB कंट्रोल बटन देखने को मिलता है जिससे हम इसके टोटल 8 मोड्स को यूज कर सकते हैं और ये एक तरह से ऑन ऑफ बटन भी है। पर अब एक बार ध्यान से देखो इसके RGB कलर्स व्हाइट कलर में कितने ज्यादा अमेजिंग दिखाई देते हैं। इस माइक को हम सॉफ्टवेयर के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो सिंपली गूगल पे सर्च करना है आपको माउनो लिंक एंड फर्स्ट ऑफिशियल लिंक पे जाकर के इसे डाउनलोड कर लेना है। और ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर जो काफी ज्यादा प्रोफेशनल इंटरफेस के साथ आता है, जिसमें हमें स्टैंडर्ड और एडवांस दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रोफेशनल वर्क के लिए स्टैंडर्ड पे हमें देखने को मिल जाता है गेन नॉब, जहां से हम इसके पिच को हाई और लो कर सकते हैं अच्छी वॉइस क्वालिटी के लिए। और स्टैंडर्ड में हमें कुछ प्रीसेट्स देखने को मिलता है तो इन्हें हम यूज कर सकते हैं, बाकी बात अधिकतर हम एडवांस को ही यूज करते हैं, प्रोफेशनल है ना। और जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके RGB कलर्स को
आप सॉफ्टवेयर के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम एडवांस पे आते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अगर आप वॉइस एडिट करते हो ऑडियोसिटी से या फिर प्रीमियर प्रो से, तो वहाँ पे काफी सारे ऐसे प्रीसेट्स है जो यहाँ पे भी दिए गए हैं, लाइक ये वाला जो मैं अधिकतर अपने वॉइस को एडिट करने में यूज करता हूँ, और इन्हें आप भी यूज कर सकते हो इन स्ट्रीमिंग और इन पॉडकास्ट। डायरेक्ट क्लियर वॉइस आपकी स्ट्रीम होगी, जिसमें कोई भी तरह की नॉइज और कोई भी तरह की फड़फड़ाहट नहीं होने वाली। अगर आपको वॉइस एडिट करना अच्छे से आता है तो आप इसके टोटल फीचर्स को कस्टमाइज कर सकते हो मैनुअली। और इसकी जो प्राइसिंग होने वाली है इन इंडिया वो है 2500 से 3500 रुपए। बट अगर आप इसके ऑफिशियल साइट पे देखो तो इस माइक की कॉस्ट आपको $50 के आसपास मिलती है। वैसे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला था वो ये है, ये माइक हमारा अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट बहुत जल्द ये अवेलेबल हो जाएगा। ड्यू टू कोरोना चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है, और ये माइक मुझे डायरेक्ट माउनो वालों की तरफ से मिला है, तो ये डायरेक्टली चाइना से इंडिया आया हुआ है। कंक्लूजन की बात करें तो ये माइक हर एंगल से परफेक्ट है। अगर आप एक गेमर हो और आपको एक RGB माइक्रोफोन चाहिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट है आपके लिए। इसके सॉफ्टवेयर से जो हमें वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, एंड इसकी वॉइस क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट। बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन, लुक एंड फील इसका काफी ज्यादा परफेक्ट है, एंड मुझे ये माइक काफी ज्यादा पसंद आया। अगर आप इसे लेना चाहते हो देन थोड़ा सा वेट कर लो और बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा Amazon पे। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है हमारा चैनल न्यू है, तो आप सबों की सपोर्ट की जरूरत है, जो आप हमें सब्सक्राइब करके कर सकते हो।